नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा आत्या से सॉरी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अनुज श्रुति को बोलता है कि अनुपमा के हाथ से ऐसे लापरवाही हो ही नहीं सकती। अनुपमा हर रोज रसोई में जाने से पहले रसोई की सफाई और पूजा करती है। अनुपमा के खाने में आज तक एक बाल भी नहीं मिली है, इतनी साफ मेंटेन करती है अपनी किचन को। अनुज श्रुति को ये भी बोलता है कि कुछ फाउल प्ले डेफिनेटली हुआ है, मैंने केक कटिंग का वीडियो कॉल उनको किया था इसलिए अनुपमा किचन से हट गई थी। वहाँ रेस्टोरेंट में यशदीप एकदम डिस्टर्ब होके सबको बोलता है कि अपने फैमिली ड्रामा के पीछे जाते जाते अनुपमा से ये लापरवाही हुआ। यशदीप बोलता है कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, आज ही ये सब होना था। रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ बोलता है कि ये काम तोशु ने ही किया है। तब बीजी बोलती है कि आंधी आके चली गई, अब तो तूफान भी आना है, बेहतर है कि हम तूफान के लिए रेडी रहे। वहां तोशु घर पहुंच जाता है। किंजल को भी ये बात पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट में आज क्या हुआ था। तब किंजल तोशु को बोलता है कि मुझे पता है कि बिरयानी में कॉकरोच तुमने ही डाला है। तब तोशु बोलता है किंजल को कि हाँ मैंने ही किया है, जरा प्रूफ करके तो दिखाओ, अनुपमा के ऊपर ग्रहण आ गया है। अनुज अनुपमा को ढूंढने की कोशिश करता है। अनुज यशदीप और किंजल को कॉल करके पूछता है लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि अनुपमा कहाँ है। अनुपमा रास्ते में बैठ के जोर जोर से रोती है और अपनी माँ को याद करती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो ये सोचती है कि आज मेरे वजह से सब दुखी है। क्या अनुपमा फिर से सब कुछ ठीक कर पाएगी अपनी जिंदगी में? क्या जिंदगी में फिर से ऊपर उठने का मौका मिलेगा अनुपमा को? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।